दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आप में से कई लोग फर्स्ट टाइम बर्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हो सकते हो, तो उस बर्ड को कैसे टेम करना है और उसका विश्वास कैसे जीतना है, इसकी टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर बर्ड अलग रहता है, उसकी पर्सनालिटी अलग रहती है, उसके बैकग्राउंड अलग अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से उस बर्ड को आपके साथ कंफर्टेबल होने में अलग अलग टाइम लग सकता है। ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि ये बर्ड इतने टाइम में आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, टेम हो जाए। तो आपको पेशेंट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। आप उसको अच्छे से ट्रेन करो, वो अपने आप उसके पेस से चलो तो वो अपने आप कुछ दिनों में आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए। मेरी फर्स्ट टिप ये है कि आप अपना होमवर्क, आपका प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपने अपना बर्ड अभी तक घर पे लेकर नहीं आए हो तो पहले बर्ड का होम सेटअप कर लीजिए, उसका केज सेटअप कर लीजिए, उसका अंदर का सेटअप, उसके खेलने के लिए टॉयज और उसके पर्चेस, ये सब आप सेटअप कर लीजिए जहाँ भी आपको उस बर्ड को रखना है। तो जब आप बर्ड को घर पर लेकर आओगे तो वो वहाँ पे उस केज में, उस सेटअप में कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरी टिप यह है कि आपको अपने बर्ड के केज के आसपास टाइम स्पेंड करना चालू कर देना चाहिए। एक बार आपने बर्ड को अपने घर में लेकर आ गए तो उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। उसके आपके डेली रूटीन का जो काम कर रहे हो उसे करते करते बीच बीच में उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो बर्ड को सिर्फ उसके केज के साथ और ये नए घर के साथ कंफर्टेबल नहीं होना है, बट आपके साथ भी कंफर्टेबल होना है और आप जिनके साथ रहते हो उनके साथ भी उसको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपका जब आप बुक्स पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, तब उसको आपके बाजू में बिठा सकते हो, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तब भी आप उसके केज के बाजू में बैठकर काम कर सकते हो, तो उस बर्ड को भी आपकी आदत हो जाएगी। तो मेरी थर्ड टिप ये है कि आपको आपके बर्ड के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके केज के आसपास टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो आपसे डर रहा है या आपके साथ रिलैक्स्ड काम फील कर रहा है। अगर आपसे वो डर रहा है तो शायद आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो, जैसे कि उस बर्ड के बहुत ज़्यादा पास चले जाना या फिर उसके आसपास रहते समय कुछ सडन मूवमेंट्स जो उसको डरा रही हो, तो ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। मेरी फोर्थ टिप ये है कि आप अपने बर्ड को ट्रीट्स दीजिए। जी हाँ, जब आप आपके बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके केज के आसपास टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब आते जाते समय उसको बीच बीच में कोई नई चीज़ खाने को दीजिए, जिससे कि आपको, आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा और उसको लगेगा कि जब आप आसपास रहते हो हमें कुछ नया खाने के लिए या नया कुछ ट्राई करने के लिए मिल रहा है, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो एक बार वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो आप बाद में केज का डोर ओपन करके भी उनको खाना खिला सकते हो। फिर आप अपने हथेली पे कुछ खाने की चीज़ें रख के उनके हाथ, उनके सामने हाथ लेकर जाइए, तो आपके हाथ पर बैठने के लिए भी शायद कंफर्टेबल फील करें। ऐसे ही आप उसको टेम करना चालू करो। हमारी फिफ्थ और लास्ट टिप ये है, बी पेशेंट। हमें बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमारा बर्ड इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, वो बहुत ही अनप्लेफुल है, वो हमारे साथ खेलने की ट्राई भी नहीं करता है। और ये सब का जब उनका बर्ड उनके साथ शायद एक वीक भी नहीं रहा है, तो आपको पेशेंट रहना है। बर्ड को उसका टाइम लेने दीजिए, उसको आपके साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे पता है कि आप सारे सब लोग जब बर्ड घर पे लेकर आ रहे हो तो बहुत एक्साइटेड रहते हो, आपके घर पे जब अगर बच्चे हैं तो वो भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं उस बर्ड के साथ खेलने के लिए, बट उस बर्ड के साइड से भी आपको सोचना होगा, वो टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो अगर आप
किसी टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में जा रहे हो और कोई आपके साथ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की ट्राई कर रहा है तो आप भी फ्रिक आउट होंगे। इसीलिए आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको उसके पेस से चलने दीजिए, वो अपने आप आपके साथ थोड़े दिनों में कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर वो आपके साथ प्लेफुल धीरे धीरे प्लेफुल होने लगेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो और उसके साथ जबरदस्ती खेलने की ट्राई करोगे तो वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर आपको उसको टेम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है आप थोड़ा शांत रहिए, उसको उसका टाइम देने दीजिए, वो अपने आप थोड़े दिनों में आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5 टिप आपके बर्ड को टेम करने के लिए और उसका विश्वास जीतने के लिए। अगर आपको भी कोई आपकी स्टोरी शेयर करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए, और अगर आपके पास कोई न्यू टिप्स है कि बर्ड को टेम करने में ये आसान हो जाता है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।